दीपक भाई, मैंने सुना है तो महिंद्रा थार लेने वाला है। हाँ भाई, मैं जल्दी थार निकालूंगा, फिर चलेंगे घूमने। क्यों, तू भी चलेगी ना मेरे साथ मनाली घूमने? नहीं यार, मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकती। राहुल क्या सोचेगा यार, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए यार मैं तुम्हारे साथ घूमने नहीं जा सकती। हद है यार तेरा भी, वैसे तो हमें बेस्ट फ्रेंड मानती है लेकिन हमारे साथ घूमने नहीं चल सकती। हाँ तो यार, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरा बॉयफ्रेंड है, समझ आया तुम्हें? अगर हम उसे भी ले चले तब तो चलेगी ना, और वैसे भी उसके पास इतने पैसे कहाँ हैं कि तुझे घुमाने ले जा सके। ऐसा कुछ नहीं है, वो जब चाहे मुझे घुमाने ले जा सकता है, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से नहीं ले जा पाता। हाय। हाय, अरे आ गई तुम। और किस बारे में बातें चल रही थी? अरे कुछ नहीं, हम बात कर रहे थे कि दीपक गाड़ी ले रहा है तो हम मनाली घूमने जा रहे हैं, तू चलेगा हमारे साथ? यार मैं चल तो लेता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। यार एक बात बता, कल तो तेरा बर्थडे है ना, कहाँ पार्टी देगा? चल अमरीक सुखदेव चलते हैं। यार पहले मैं घर जाता हूँ फिर बताता हूँ। चल कोई नहीं, तेरा खाना तेरी गर्लफ्रेंड का खर्चा मैं उठाऊंगा, वैसे भी तुम दोनों मेरे दोस्त हो। चल ठीक है, तो फिर ऐसी बात है तो मैं चल लूंगा। ठीक है यार, मैं चलती हूँ। यार अभिषेक, तूने इससे ये क्यों बोला कि अमृत सुखदेव ले चल? तुझे पता है ना वहाँ कितना महंगा खाना है, इसके बस की नहीं है खिलाना। यार इसके बस की नहीं है, तभी तो मैंने बोला है, हर बार ये किसी सस्ते से ढाबे में खिला के निकल लेता है और हम इसे 5 स्टार में खिलाते हैं। अब देखना जब ये नहीं चलेगा ना तो इसकी कितनी बेइज्जती करूंगा मैं। और साथ देने के लिए मैं हुई। चल सही है, चलते हैं। चल पिताजी, कल मेरा जन्मदिन है तो मेरे दोस्त मुझसे पार्टी मांग रहे हैं, पैसे चाहिए मुझे। बेटा कितने पैसे चाहिए तुझे? 100 रुपये में तो हो जाएगा ना तेरा काम। 100 रुपये? इतने में तो एक का भी नहीं होगा, कम से कम 10,000 रुपये तो दो। 10,000? बेटा पागल हो गया है क्या तू? मैंने कितनी मुश्किलों से तुझे पढ़ाया है, दिन रात एक करके मेहनत की, पसीना बहाया, तब जाकर अब पढ़ाई तेरी पूरी होने वाली है। अगर तू ऐसे बेफजूल के खर्चे करता रहेगा तो फिर हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अच्छा तो आपको मेरे जन्मदिन की पार्टी बेफजूल का खर्चा लग रही है? आपको मालूम भी है मेरे दोस्त मुझे कितनी महंगी महंगी जगह पर ले जाते हैं खाना खिलाने अपने जन्मदिन पर, और अब जब मेरी बारी आई है उन्हें खिलाने की तो ये बेफजूल का खर्चा लग रहा है आपको। देख बेटा, मैं खिलाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बस ये बोल रहा हूँ कि इतने पैसे खर्च मत कर। सुन, तू ऐसा कर, अपने दोस्तों को घर पर ही बुला ले, मैं उनकी दावत घर पर ही कर दूंगा, इससे इतने पैसे खर्च भी नहीं होंगे और तू अपने दोस्तों को पार्टी भी दे देगा। ठीक है तो पिताजी, मैं अपने दोस्तों से फोन करके बोल देता हूँ। हेलो, मेरा राहुल बेटा बहुत भोला है, जो कुछ मैं बोलता हूँ वो ही मान लेता है। यार ये इस घर में रहता है, कैसा घर है यार ये? मोनिका मुझे नहीं पता था तू इतने गरीब लड़के से प्यार करती है। यार मुझे तो यकीन नहीं हो रहा ये सच्चे में इंसान रहते हैं, इससे अच्छे और महंगे घर में मेरा कुत्ता टॉम एंड टॉम रहता है, एक बार में 5,000 के बिस्कुट खा जाता है वो, तू कैसी जगह ले आई है मुझे? यार मोनिका तेरा तो पता नहीं लेकिन हम नहीं खा सकते इस जगह, यार कितनी बदबू आ रही है यहाँ, चल उसे बुला तो अब। आ गए तुम लोग, चलो आओ बैठो। नहीं नहीं यहीं ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तुम यहीं रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। ये लो पानी पियो। दीपक तुम ले लो। राहुल बेटा। पिताजी ये मेरे दोस्त हैं अभिषेक, मोनिका, दीपक, और गाइस ये मेरे पिताजी हैं। नमस्ते, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। राहुल बेटा इनको बैठाओ, मैं इनके लिए खाना लेके आता हूँ। चलो अंकल मैं भी घर घूम लेता हूँ तुम्हारा। चूल्हे में रोटी बन रही है, साले तेरी इतनी औकात, तूने हमें ऐसे खाने के लिए बुलाया? यार मोनिका इसका बाप चूल्हे पे रोटी बना रहा है, हम इतने अमीर हो गए चूल्हे की रोटी खाएंगे क्या? अबे गरीब फटीचर, जब तेरी औकात नहीं है हमें खिलाने की तो मना कर देता, ऐसी गंदी और बदबूदार जगह
क्यों बुलाया हमें? तुम साले भिखारी, बस हम अमीरों का खाने जानते हो? जब बस की नहीं है तो क्यों रहते हो हम अमीरों के साथ? यार मोनिका देखो ना प्लीज, इन्हें ये कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज समझाओ ना तुम इन्हें। क्या समझाऊं मैं, सही तो कह रहा है ये। हम तुम्हारे घर आए थे ये सोच के कि तुम हमें अच्छी जगह बैठाओगे खिलाओगे। ऐसी जगह खाऊंगी मैं? राहुल मुझे पता होता तुम इतने गरीब फटीचर हो तो मैं तुम्हें अपने पास तक नहीं आने देती। बॉयफ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात है। चलो दोस्तों, इस घर का खाना खाना तो दूर, पानी पीना भी हमारे लिए शर्म की बात है। यार प्लीज रुक जाओ, मैं तो तुम्हें बाहर ही खिलाता, लेकिन पिताजी ने कहा था तुम्हें घर बुलाने के लिए, प्लीज थोड़ा तो खा कर जाओ। इसे तू घर कहता है, इससे अच्छा तो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं। राहुल यार प्लीज रुक जाओ, देखो पिताजी आ रहे हैं, उनके सामने थोड़ा सा खा कर जाओ प्लीज। लो बेटा खाना खा लो, मैं इनके लिए भी लेकर आता हूँ। हटाओ इसे मेरे सामने से। हम ऐसा घटिया खाना खाएंगे? ऐसे खाना हमारे कुत्ते भी नहीं खाते हैं। चलो दोस्तों। देखा पिताजी, करवा दी मेरी सबके सामने बेइज्जती। अगर मुझे 10,000 रुपये दे देते तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज आपकी वजह से मुझे ये सब देखना पड़ा। पर बेटा मेरी बात तो सुन। कुछ नहीं सुनना मुझे। यार मोनिका तुम मुझसे कल से बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं तुमसे माफी मांग तो रहा हूँ। देखो राहुल, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा देना, मेरे से मिलना तो बहुत दूर की बात है। अरे यार मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझसे मिलना नहीं चाहती? अब बचा ही क्या है करने को? तुम्हारा घर घर नहीं कबाड़ खाना है। मुझे पहले पता होता ना तू इतना गरीब है तो मैं तुझे कभी अपने मुंह नहीं लगाती। यार एक तरफ मेरे इतने अमीर दोस्त है और तू कहाँ इतना गरीब, पता नहीं ढंग से तुम्हें दो वक्त की रोटी भी मिलती है या नहीं। तुम्हारे साथ मैं कैसे रह लूंगी? और एक वो तुम्हारा खूसट बुढ़ा बाप। मोनिका लीव, तुम्हारी इतनी औकात तुमने मुझ पे हाथ उठाया? चल जाए यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और बेटा आज के बाद दिख गए ना तो तेरा थोबड़ा बिगाड़ दूंगी। चल जाए यहाँ से। बेशरम तू तो जाएगा नहीं यहाँ से, मैं ही चली जाती हूँ। राहुल तू तो इतना दुखी होकर यहाँ क्यों बैठा हुआ है? भाई साले तेरी इतनी औकात, तूने हमें ऐसे खाने के लिए बुलाया? यार मोनिका इसका बाप चूल्हे पे रोटी बना रहा है, हम इतने अमीर हो गए चूल्हे की रोटी खाएंगे क्या? अब बचा ही क्या है करने को? तुम्हारा घर घर नहीं कबाड़ खाना है। मुझे पहले पता होता ना तू इतना गरीब है तो मैं तुझे कभी अपने मुंह नहीं लगाती। यार एक तरफ मेरे इतने अमीर दोस्त है और तू कहाँ इतना गरीब, पता नहीं ढंग से तुम्हें दो वक्त की रोटी भी मिलती है या नहीं। तुम्हारे साथ मैं कैसे रह लूंगी? और एक वो तुम्हारा खूसट बुढ़ा बाप। मैंने कहा था ना ये तेरे सच्चे दोस्त नहीं है, एक दिन तुझे छोड़कर जरूर चले जाएंगे। यार विकास वो हर जगह मुझे खिलाते थे, साथ रखते थे, लेकिन अब पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। और तो और विकास भाई, मोनिका भी मेरे साथ ऐसा कर रही है, जबकि कितना प्यार करती थी वो मुझे। वो सब इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था तू अमीर है, तेरे पास पैसे हैं, जिस दिन उन्हें पैसे की जरूरत होगी तू उन्हें पैसे देगा। रही बात उस लड़की की, तो वो अपना कॉलेज का काम, प्रोजेक्ट का काम सब तेरे से ही तो करवाती थी। आज के टाइम पर कोई किसी का नहीं है, लोग उसी को सलाम करते हैं जिसकी जेब में पैसा है। और देख जब तेरे दोस्तों को पता चला वो भी तुझे छोड़कर चले गए। मैं तुझे खूब बुलाता था लेकिन तू कभी मेरे पास नहीं आया ना मेरे पास आकर बैठा। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगा और ऐसे दोस्तों से कभी दोस्ती नहीं करूंगा। अब तेरी समझ में आ गया है तो जा पिताजी से माफी मांग और उन्हें बता कि वो सही थे तू गलत। हाँ विकास भाई। विकास भाई तेरी आवाज को क्या हुआ? यार मैं काफी दिनों से बीमार था, इस वजह से मेरा गला बैठ गया। हाँ ठीक हो जाएगा सब। पिताजी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे इतना उल्टा सीधा बोला, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो गया है कि आप सही हो और मैं गलत। बेटा हम गरीब लोग हैं, ये यारी दोस्ती प्यार व्यार हमारे लिए है ही नहीं।
क्योंकि लोगों के सामने हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। अमीर लोग हमें बस नाली का कीड़ा समझते हैं, जिसे कभी भी मसला जा सकता है। इसलिए बेटा मेहनत करो, कामयाब होकर बड़े अधिकारी बनो और ऐसे लोगों को सबक सिखाओ जो हम जैसे गरीबों पर हंसते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं। जी पिताजी। देखो क्या हुआ अभिषेक, इतनी परेशान क्यों बैठे हो? क्या बताऊं यार, दीपक ने धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करा लिया है। अब वो उसे अपनी बता रहा है, पूरे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो। कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या करूं अब। ऐसा दीपक कैसे कर सकता है, वो तो आपका बहुत अच्छा दोस्त था ना। पैसों के आगे आज के जमाने में कौन दोस्ती देखता है यार। हाँ ये तो सही कहा आपने। सुनो मेरे दोस्त बता रहे थे कि अपने जिले में कोई नया DM आया है, वो सभी की बहुत हेल्प करता है, क्यों ना हम उन्हीं के पास चलें। हाँ अब वही अधिकारी हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वरना रोड पर आ जाएंगे हम। चलो तो चलते हैं उनके पास। सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ जी आइए। सर हमने आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। हाँ जी बैठिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपकी। अरे राहुल तुम, मेरा मतलब सर आप। हाँ मैं राहुल राणा। क्यों यकीन नहीं हुआ ना, कैसे एक गरीब किसान का बेटा इतना बड़ा अधिकारी बन गया। सर मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, तुम्हारे सच्चे प्यार को मैंने ठुकरा दिया था। हाँ सर मुझे भी माफ कर दो, मैं अमीर बाप की औलाद होकर घमंड में चूर हो गया था। मुझे नहीं पता था कि आप जैसा गरीब घर का लड़का IAS ऑफिसर बन सकता है। चलो तुम्हें पता तो है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, वरना तुम लड़कियों को सच्चे प्यार की कदर ही कहाँ होती है। तुम्हें तो बस पैसे वाला लड़का चाहिए, चाहे वो कितना ही घमंडी और हरामी क्यों ना हो। मुझे पूरा विश्वास है अगर मैं इतना बड़ा अधिकारी पहले बन गया होता तो तुम इसे छोड़कर मेरे पास आ जाती। खैर रही बात तुम्हारी, तो एक बात बता दूं, जो बच्चे अपने बाप के पैसों पर धौंस दिखाते हैं ना, वो अक्सर सीधा आसमान से जमीन पर आकर गिरते हैं। तुम अपने दोस्त को बहुत अच्छा मानते थे ना, आज देखो उसी ने तुम्हें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। अगर बेटा मैं तुम्हारी हेल्प ना करूँ ना, तो 5-स्टार का खाना तो छोड़ो, तुम्हें चूल्हे की रोटी भी नसीब नहीं होगी। हाँ मुझे मेरी सेक्रेटरी ने सब बता दिया है। खैर अब तुम जा सकते हो, मेरे से जो बन पाएगा मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। सर हमने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ कर रहा हूँ, ताकि तुम जैसे अमीर घमंडी को ये एहसास हो कि मुझ जैसा गरीब आदमी भी तुम्हारी मदद करता है, वरना तुम जैसे लोग रोड पर आ जाओगे। अब तुम जा सकते हो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, आशा है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों नई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना,
चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल विकास सिंह पर जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मुझसे बात करने के लिए या मुझे कुछ भी सजेशन देने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, सामने यूज़र आईडी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय।